अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। सबसे पहले बात करेंगे, गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असेंबली में बड़ी एक अहम करारदाद जमा कराई गई है, जिसका मतन है डीप फेक न्यूज़ के ज़रिए और डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह चेहरा बदलकर, आवाज़ बदलकर किसी को के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, उसके चेहरे को जोड़ दिया जाता है, उसकी आवाज़ को जोड़ दिया जाता है, जिससे बिलखसूस जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन हैं उनके हवाले से उनमें शदीद तशवीश पाई जाती है। और ये करारदाद खातून मेंबर सूबाई असम्बली राहिला खादिम हुसैन, जिनका ताल्लुक PMLN से है, उन्होंने ये जमा करवाई है। और इस करारदाद के मुताबिक जो लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। ये कितना अहम है, और इसके लिए जो बिलखसूस हमारे माशरे में जो सबसे मोतबर ख़वातीन जिनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत हर शख्स की जिम्मेदारी है, अगर कोई इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करता है, और आपने देखा भी एक खातून पार्लियामेंटेरियन की वीडियो बनाई गई और किस तरीके से उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, इस तमाम तर मामलात को ज़ेरे बहस लाएंगे अपने सबसे पहले मौजू में। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर मबनी जो मुहिम चलाई जा रही है, जो उनके सेक्रेटेरिएट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया, अहमद वकास जंजुआ और रऊफ हसन जो कि उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद और तफ्तीश के बाद बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं। उस पर एक GIT बनी है, उसे भी ज़ेरे बहस लाएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने भी आज बड़ी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंतशार की सियासत के हवाले, उसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने बड़ी अहम बात की है, बात करो बर्बाद ना करो। और उन्होंने क्या कहा है इसको भी हम तफसीलन ज़ेरे बहस लाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी मुल्क के अंदर, जो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरीके से प्रोटेस्ट के नाम पे कब्ज़े की कोशिश की जाएगी या घेराव जलाओ की कोशिश की जाएगी, उसे किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे डेफिनेटली जो सबसे अहम है, मसले फ़लस्तीन। और अरसे दराज से जो फ़लस्तीनी अपने ही मुल्क में मैसूर हैं और काबिज़ अफवाज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पे जिस तरीके से बमबारी की जा रही है, और ख़ान यूनस का जो हालिया वाक़िया जिस पे वज़ीर आज़म ने भी शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है, ये हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे डीप फेक टेक्नोलॉजी और इससे ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन के क्या तहफ़ुज़ात हैं। हमारे साथ आमना हसन शेख मौजूद हैं, आप मेम्बर हैं सूबाई असम्बली पंजाब की। बहुत शुक्रिया आमना साहबा, किस तरह देख रही हैं आप इस करारदाद को, किस तरह इस डीप फेक जो फेक टेक्नोलॉजी है इसके रास्ते में रुकावटें पैदा की जा सकती हैं, और ख़वातीन को इस हवाले से मज़ीद क्या तहफ़ुज़ात हैं, क्योंकि इस करारदाद का जो मतन है उसमें काफ़ी लंबी तफसील है। थैंक यू वेरी मच जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब ये वाकया पेश आया, और इसलिए नहीं कि ये वाकया PMLN की एक पार्लियामेंटेरियन के साथ पेश आया। मैं समझती हूँ कि कोई भी खातून किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती हूँ, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, उनको ये चीज़ का सामना नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो ख़वातीन की है, और उनको रिप्रेजेंट करने अगर कोई खातून अपने घर से निकलती है, अपने बच्चे, अपना घर, हर चीज़ को एट स्टेक करके उनको रिप्रेजेंट कर रही है, उनको असेंबली में आ रही है, उनके लिए काम कर रही है दिन रात, तो उनके साथ हम ये हशर करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ये बहुत अफसोसनाक बात है, और मैं समझती हूँ कि एक सिर्फ करारदाद तो हमने दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इंशाल्लाह इसके बाद, करारदाद के बाद, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन और प्रॉपर लेजिस्लेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि ये हम बड़े अरसे से देख रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि खवातीन जो है वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट होती हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा आमना साहब, ये बताइएगा, अदालत से रुजू किया गया और उसके बाद उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है FIA उसको रेफर कर दिया कि ये उनकी डोमेन में आता है, किस तरह इनके गिर्द घेरा तंग हो सकता है, क्योंकि ये अरसे दराज से ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये बहुत सारी खवातीन जो है इसका सामना कर चुकी हैं। देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, कल IT मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही बात की, तो बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ FIA के डोमेन में लीगली तो आती है, लेकिन उसके पहले हमें जब इसके डिटेल्स, हमें फैक्ट्स मिलेंगे, तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को जो है डीकोड करें, ये टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ, जैसे हमने कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो एक ज़माने में बैन की थी, अभी भी कुछ की हुई हैं, सो आई डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास अब इतनी IT टेक्नोलॉजी है माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर, पर उससे पहले हमें इस टेक्नोलॉजी और इस ऐप को डीकोड करना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द वेज इन व्हिच वी कैन बैन इट। लेकिन
एक अलमिया हमें ये भी याद रखना पड़ेगा इस मुल्क का और पूरी दुनिया का एक्चुअली, कि जब हम इस तरह की किसी एक ऐप को बैन करते हैं या एक टेक्नोलॉजी को बैन करते हैं तो उस तरह की और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट नामों के साथ आने लग जाती हैं। सो वी विल हैव टू बी, ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस होगी जिसके अंदर हम इंश्योर करते रहें कि कोई किसी किस्म के लूप होल्स ना हो और हम आइंदा ऐसी आने वाली तमाम टेक्नोलॉजीज को भी बैन करें। फायरवॉल जो है, क्या इसमें करामत साबित हो सकती है? देखिए जी, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन और बजाय इसके कि मैं आपको मिसगाइड करूं इसके ऊपर, बट आई एम श्योर कि हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और जो आईटी मिनिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र किया, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो आई एम श्योर उसकी मदद से। और देन अगेन आई सेड कि डीप फेक हम यूज करते हैं एक चीज के लिए, दिस इज नॉट जस्ट वन ऐप और वन टेक्नोलॉजी, इस तरह की सैकड़ों एप्स ऐप स्टोर्स पे, एप्पल स्टोर्स पे अवेलेबल है। इवन आप तो जो हम ये यूजुअली इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह यूज करते हैं, इनके ऊपर फिल्टर्स भी ऐसे आ गए हैं जिनसे वॉइस चेंज हो जाती है, फेस आप एक दूसरे के ऊपर मॉर्फ कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ एक उसको बंद करने की बात नहीं है, हमें इस तरह की हर एक्शन जो किसी तरह भी किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है उसको बैन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो असेंबली में जमा करवाई गई है, आमना साहिबा, ये बताइएगा, ये जो सूबाई असेंबली पंजाब में जो करारदाद जमा करवाई गई, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए जी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसलिए हो सकता है कि राइट नाउ एक तो गवर्नमेंट है पीएमएलएन की एक खातून मेंबर ने ये जमा कराई है, और ये करारदाद मुझे यकीन है कि जब हाउस में लाई जाएगी तो ये यूनानिमसली पास होगी। तो आई थिंक दिस इज अ मैसेज, दिस इज गोइंग टू बी अ मैसेज अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड कि जब इस तरह की बात आती है, जब ख्वातीन की इज्जत की बात आती है, तो हम लोग पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे छोड़ के हम तमाम पार्टीज, तमाम पाकिस्तानी, तमाम शहरी ख्वातीन और मर्द एक पेज पर है। क्योंकि इस चीज पे पहले भी असेंबली में कई दफा कंसेंसस हो चुका है, और मैं इस चीज के ऊपर बड़ा सराहूंगी अपनी गवर्नमेंट को भी कि एक बड़ा रिस्पेक्टफुल माहौल जो है वो कायम किया गया असेंबली के अंदर। तो जब यूनानिमसली इस तरह की करारदाद पेश होती है, आई थिंक दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ लीगल एक्शन। अच्छा, ये बताइएगा आमना साहिबा, आपको नहीं लगता कि कुछ हमारी ताखीर भी इसमें बड़ी एक आम वजह हुई है? वक्त के साथ साथ हालात बदल रहे हैं, असर हाजिर के तकाजे बदल रहे हैं, दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। पहले हमें मैनुअल वारफेयर का सामना था, सेकंड और थर्ड जनरेशन वार थी जिसमें हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को एंगेज किया जाता था, फिर हाइब्रिड वार, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर सामने आई, साइकोलॉजिकल वारफेयर, अब ये डिजिटल टेररिज्म का हमें सामना है। आपको नहीं लगता कि हमें असर हाजिर के तकाजों के साथ चलना पड़ेगा? देखिए जी, जहाँ तक हमारी कोताही की बात है तो मैं आपको बताऊं कि आई थिंक हम बड़ा टाइम के साथ चल रहे थे 2014 के अंदर, जब साइबर लॉ एक्ट पाकिस्तान में पहली दफा बनाया गया। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आई वॉज वन ऑफ द पीपल हु ड्राफ्टेड दैट एक्ट, और हम सारा कुछ कर लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जिस डिजिटल टेररिज्म की और साइबर टेररिज्म की आपने बात की, इसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इसका दारोमदार एक माइंडसेट के ऊपर है, वो माइंडसेट जो एक ऐसा शख्स जो पिछले 4 साल हमारी मुल्क पे मुसल्लत किया गया था जोर जबरदस्ती, उसने जो तरबियत की हमारी कौम की। बात ये है, मैं आमना साहिबा आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, आप माइंडसेट को चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन वो माइंडसेट जिस टूल को इस्तेमाल करता है, जिस मीडियम का इस्तेमाल करता है, मुझे एक मिनट दीजिएगा, इस तरह हो नहीं सकता ना। जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वो माइंडसेट ऐसा है, हमने ऑलरेडी ट्विटर बैन कर दिया, मैं पर्सनली समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए, अब हम क्या फेसबुक भी बैन करेंगे, क्या हम इंस्टाग्राम भी बैन करेंगे, क्या हम पाकिस्तान में सोशल मीडिया भी बैन करेंगे? नहीं, हमें फोकस करने की जरूरत है और हमें स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेने की जरूरत है जो लोग इन चीजों में इंडल्ज कर रहे हैं उनके खिलाफ। अगर हम टेक्नोलॉजिकली उनको रोकने लगेंगे तो उन लोगों का क्या कसूर है जो ज्यादातर आबादी पाकिस्तान की जो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में सोशल मीडिया को या इंटरनेट फैसिलिटीज को यूज कर रही है, उनका कोई कसूर नहीं है। नहीं, आमना साहिबा देखिए ना, माइंडसेट को चेंज करने के लिए फिर आपको एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा, फिर आपको उसी टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए। हम तो ये कहते हैं कि यानी अगर आपने माइंडसेट जो टूल का इस्तेमाल करता है उसका बेदरेग, गलत और नाजायज इस्तेमाल ना हो, वो तो रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी ये है कि वो गलत इस्तेमाल को रोके, उस टूल को बंद करना या बैन करना मसले का हल नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि जिन लोगों के, और रियासत के बाद इवन मीडिया की, जुडिशरी की, अफसोस तो इस बात का ना, ये चीजें हमें देखनी है कि एक ऐसी जमात जो पूरे मुल्क को जलाने के लिए, वो के जो जो एक शख्स कहता है कि जी मैं वजीर आजम नहीं रहा तो मुल्क नहीं चलना चाहिए, उसको बचाने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट देना शुरू हो गए हैं। तो दिस इज वॉट वी नीड टू, वेयर वेयर ऑल इंस्टीट्यूशन नीड टू बी ऑन द सेम पेज, वेयर वी नो दैट दिस
party and this leader has been detrimental for the country. और जहाँ पे हम एक अपना step foot down करें और हम ये कहें कि जी इस जमात से related और इस activity से related तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और किसी किस्म का relief नहीं मिलना चाहिए. This is the need of the hour. बहुत शुक्रिया आमना हसन शेख, हमारे साथ मौजूद थी. member सुबाई assembly, PMLN से आपका ताल्लुक है और पंजाब assembly जो कि इस वक्त एक करारदाद जो कि पेश होगी क्योंकि उसको जमा करवा दिया गया है, उसका इंतजार कर रही है. उसके बाद हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी का तयन करना और उसके साथ साथ जिस तरह आमना साहिबा ने बात की कि माइंडसेट को चेंज करना, माइंडसेट को चेंज करने से पहले जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसके गलत इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए. उसके लिए डिजिटलाइजेशन हो चुकी है पूरी दुनिया में, आप उसको काउंटर कर सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं. और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट से जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, जो लैपटॉप और दीगर दस्तावेज के जरिए ये पता चला है कि किस तरह इसमें डिस इन्फो का सहारा लिया जा रहा है, मनफी प्रोपेगंडा किया जा रहा है, झूठी जाली खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे रोकना वक्त की अहम जरूरत है. एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे. क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया सारिफिन की तादाद 11 करोड़ से तजावज कर चुकी है और ये भी हकीकत है कि हम ज्यादा वक्त गैर जरूरी तौर पर एप्लीकेशन पर जाया कर देते हैं. लेकिन टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फोन का रोजाना 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल फोबियाज को जन्म देता है. स्क्रीन का गैर जरूरी और ज्यादा इस्तेमाल बढ़ने से ज़हनी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं. अगर आपके बच्चों में डिप्रेशन, बेचैनी, तवज्जो में कमी और झगड़ालूपन की अलामत हैं, तो फौरी मुतवज्जे हों. बच्चों को स्क्रीन के बेजा इस्तेमाल से रोकें, उन्हें बेचैनी और समाजी इज़्तिराब से बचाएं. इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है. इससे पहले के पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं. महकमा सेहत की टीमों से तामन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं. पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए. वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए बदअमनी और उसके साथ साथ इंतशार और अफरा तफरी फैलाने वाले अफराद हो जाएं तैयार, क्योंकि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है. आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की सरबराही में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बनाने का फैसला कर लिया गया, जिसमें FIA के और पुलिस के आला अफसरान भी शामिल होंगे, जो तहकीकात करके निशानदेही करेंगे कि कौन से अफराद इस टूल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के तशख्स को ख़राब कर रहे हैं और एक मनफी प्रोपेगंडा कर रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हो या सेलिब्रिटीज़ के हवाले से हो या पॉलिटिशियंस के हवाले से हो या हमारे आइनी इदारों के सरबराहान के हवाले से हो या रियासत मुखालिफ बयानियाँ या कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही हो, इस हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. अहमद वड़ाइद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा किस तरह लगता है आपको ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अब बना दी गई है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बेलगाम घोड़े हैं, क्या उनको इस FIA की इस जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें IG इस्लामाबाद इसकी सरबराही कर रहे हैं, क्या उनके गिर्द घेरा तंग होते हुए आपको नजर आ रहा है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए गुजारिश ये है कि टीम बना दी गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको आईजी जो है वो डील कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये मामलात होते क्यों ऐसे, मतलब हालात जो हैं वो इस नहज पर कैसे पहुंच गए। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो जो कानून साजी है, जो लाज हैं, अगर देखिए दुनिया तरक्की कर रही है साथ साथ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हम भी आईटी को थोड़ा सा सीरियस लें और इसके मुतलक सख्त से सख्त कानून साजी करनी चाहिए। एक तो लाज आपको थोड़े से मतलब चेंज करने पड़ेंगे, इस तरह के बनाने पड़ेंगे जो सख्त लाज हों, ऐसे कानून साजी की जाए जो ऐसे लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो घेरा तंग किया जाए। और मैं एक चीज़ इसमें और भी इजाफा करना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो तो बिल्कुल ठीक होगी, उस पर हमें ट्रस्ट भी करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर डॉक्टर साहब थोड़ी सी निसाब में भी चीज़ें शामिल करें, लोगों को थोड़ी सी तलीम और इसकी जो तरबियत है वो भी करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ें हैं कि अब हम चूँकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, उसमें हमें इसमें जो है वो तलीम लोगों को देना होगी, ये निसाब का हिस्सा बनाना होगा इन चीज़ों को, ताकि हम जो आने वाली नस्लें हैं, जो हमारे आने वाली जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, जिसके हाथ में मोबाइल तो हमने दे दिया है, टेक्नोलॉजी तो हमने उसको दे दी, लेकिन हमने उसकी तरबियत नहीं प्रॉपर से की, उसकी तरबियत करने का वक्त है, उसको बताया जाए, उसको समझाया जाए कि इस चीज़ का इस्तेमाल आपने इस तरीके से करना है। और पिछले कुछ सालों से, अब थोड़ा सा इसको आप दूसरी तरफ लेकर जाएं, देखिए एक ये माइंडसेट कैसे बना, जैसे पहले एक एमपी साहिबा कह रही थी कि एक माइंडसेट, देखिए माइंडसेट कैसे बना, ये माइंडसेट जो है जिसके खिलाफ आपने जद्दोजहद करनी है, काम करना है, एक स्ट्रगल फेज से गुजारना है, वो क्या माइंडसेट था, वो माइंडसेट एक जमात की तरफ से बनाया गया और जमात में लोगों को भर्ती किया गया, सोशल मीडिया की टीमें बनाई गईं और जो फॉरेन फंडिंग के पैसे थे वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए गए, उन पैसे से लोगों को भर्ती करके आपने बेलगाम छोड़ दिया, अब किसी की इज्जत महफूज नहीं रही। अब देखिए कि पिछले दिनों जो पंजाब की इन्फॉर्मेशन जो वज़ीर हैं वो काम कर रही हैं और वो उनका जो बोलना है, उनका जो बात करना है, जो टफ टाइम देना उनका है, वो ही सबसे बड़ा उनका जो है वो जुर्म बन गया है। मैं इसीलिए आपको मतलब बात को थोड़ी आगे बढ़ाना चाहूंगा, खास तौर पर ये जो आपने ये कहा कि इसको तालीमी निसाब में शामिल किया जाए, नेशनल एक्शन प्लान 20 से ज्यादा नुकात, उसके कई शिकों पर अमल दरामद हुआ, इसको 10 साल बीत चुके हैं, तो निसाब में शामिल करना, अब तो निसाब बात बहुत आगे बढ़ गई है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि निसाब में भी इसे शामिल कर दिया जाए, हमें फौरी तौर पर इसकी सर्जरी की जरूरत है, स्टीराइड की जरूरत है, ताकि इन्हें काबू किया जा सके, इस पे कोई आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, गैर मामूली फैसले करने पड़ेंगे। देखिए आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, आप सर्जरी, मैं कहता हूं सर्जरी पर बात पहुंची क्यों, देखिए क्या ये एक दो दिन में तो नहीं ये मामला यहाँ तक पहुँच के, रियासत को आहनी हाथों से निमना चाहिए था। देखिए कानून जब नाफिज होगा, जब लाज के ऊपर अमल किया जाएगा, तो वो तो उससे हालात जो हैं वो पुरमन रहेंगे, हालात मामूल के ऊपर रहेंगे, लेकिन मैं जब तलीम की या नसाब का अगर एक सजेशन में पुट कर रहा हूँ आपके जरिए से पूरी कौम के सामने, तो उसमें मतलब सिर्फ इस बात का ये है कि कम अज़ कम जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनकी थोड़ी सी तरबियत कर दी जाए। ये पिछले 10-12 सालों में ये सब कुछ हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस जो लाबी है, जो एक मखसूस जो ग्रोह है, उसके ज़रिए से सामने आया है। ये देखिए कि कितनी तकलीफ दे बात है, अगर मैं और आप जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं, आपकी या मेरी तस्वीर चेंज करके उससे कोई और तस्वीर लगाकर कोई ऐसी वीडियो बना ली जाए जो अच्छी ना हो, जो ठीक ना हो, और मुझे बताइए कि हम अपनी फैमिली को क्या जवाब दें, हम अपने माशरे को क्या जवाब दें, फिर वो कैसी यलगार की जाती है कि सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया पर बैठ गई है, एक ट्रेंड सेट कर दिया जाता है, अब लाखों दुनिया के सामने जाकर लोग बंदा क्या बता सकता है कि यार ये जो वीडियो बनाई गई है ये तस्वीर मेरी नहीं है। ये देखिए कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये इखलाकियात से गिरी हुई हरकत है, और इस्लाम भी यही कहता है कि जब आपके पास कोई खबर आए तो खूब उसकी पहले तस्दीक करें, किसी पर बोहतान तराजी ना करें, किसी के साथ ऐसी ज्यादती ना करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा आप एक निसाब में चीज़ शामिल करवाएं ताकि तरबियत हो कौम की, और दूसरे नंबर पर इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि हुकूमती शख्सियात के साथ ये मामला हुआ है, इसलिए बनाएं कि कल को अपोजिशन के साथ भी हो सकता है, इसलिए बनाएं कि 25 करोड़ मुल्क के लिए किसी एक सबसे आम मसला है, ये बात किसी लीडर क्लास के बारे में, आज वफाकी वजीर बराए सैफरान और उमूर गिलगित और कश्मीर जो है अमीर मकाम जो है उन्होंने, इंजीनियर अमीर मकाम ने यह बात की है कि गैर मुल्की एजेंडा है, लॉबीज हैं जो रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं, इन लॉबीज को कैसे काउंटर किया जाएगा।
यानी आप देखें कि अक्वामे मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक कौंसिल है वहां रुजू किया जा रहा है, अमरीकी कांग्रेस मैन रुजू कर रहे हैं, एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है, फिर कहते हैं हम कोई गुलाम है, फिर उसके बाद वहीं से उसी के बेनिफिशरी भी हमें नजर आ रहे होते हैं, ये जो अमरीकी कांग्रेस मैन है या अमरीकी इंसानी हकूक कौंसिल है, इसकी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए, यानी आखिर रोकना तो है। अब तो हर शख्स को पता चल चुका है कि फॉर्म जाहिर की जाती है, लॉबिंग की जाती है। देखिए कितने तकलीफदेह बात है कि पिछले दिनों आपके सामने डीजीआईएस पे भी बात कर रहे थे और एक टर्म दी गई डिजिटल दहशतगर्दी की। देखिए है तो ये बिल्कुल ये दहशतगर्दी, और जैसे अमीर मुकाम साहब बात कर रहे थे, देखिए कि ये लॉबिंग की जाती रही है और ये साबित शुदा चीज़ें रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई हमेशा से रही है, और ये देखिए कि पाकिस्तान की जो कौम है उसके हाथ में ये बहुत बड़ा हथियार दे दिया जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बगैर इसको समझाए और तरबियत किए हुए, और फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो देखिए कि जिस तरह मतलब ये इसमें इसराइल है या जिस तरह अमेरिकन्स में होता है या इसराइल में होता है या जो भारत है वो तो कभी नहीं चाहेगा, वो तो इसीलिए हमें पैसे देंगे हमारे मुल्क से कोई एजेंट लेके या किसी एक मखसूस शख्स को आगे लगा के कि वो आए उसके ज़रिए से पैसा इन्वेस्ट कर दें और कौम में जो है उसमें से एजेंट खरीद के उनको जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप दहशतगर्दी के ऊपर लगा दें, वो अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें करते रहें, वो किसी की इज्जत उछालते रहें, वो जो भी मर्जी करते रहें, उनको कोई पूछने वाला नहीं हो। अब देखिए कि इसमें कैसे इसको मैनेज करना ज़रूरी है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अब देखिए अगर पाकिस्तान में आप लाश बनाते हैं, अगर पाकिस्तान में किसी शख्स की इज्जत उछाली जाती है, लेकिन देखना इस बात को है वो अकाउंट कहाँ से चल रहा है, सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो आया कि वो रन यहाँ से किया जा रहा है या किसी मुल्क से रन किया जा रहा है। अब ये एक बेलगाम घोड़े की तरह है ये सोशल मीडिया, इसको टैकल करना, इसको समझना, इसको मैनेज करना, इसके ऊपर अमल करना इतना आसान भी नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन जो टीमें हैं वो उनको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, ये बड़े बड़े मतलब जान जोखों का काम है, ये इतना कोई आसान काम नहीं है, ये ग्लोबलाइज दुनिया है, सारी दुनिया एक पेज पर नजर आती है। अगर उन लोगों को जो इस धंधे में मुलव्वस हैं उनकी शाखें अगर बाहर से मिलती हैं या पाकिस्तान से मिलती हैं तो इन लोगों को यहाँ पे भी नंगा करना चाहिए और बाहर के इंटरनेशनल लॉज को भी देखना पड़ेगा कि वो लोग जो पाकिस्तान के तो हैं लेकिन बाहर बैठ के कोई ऐसी हरकत में मुलव्वस हैं उनके पासपोर्ट को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, उनकी पाकिस्तान की नेशनैलिटी आपको ख़त्म करना पड़ेगी और इंटरपोल के जरिए उन लोगों को आप बुलाएं और सख्त से सख्त सजा दें। जब तक आप उनको एक ट्रेंड सेट नहीं करेंगे सोसाइटी के हवाले से अगर हम थोड़ी बात करें, आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि अलावा मोहम्मद इकबाल जो शायर मशरक़ हैं जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल का तायुन करने के लिए अपनी शायरी के ज़रिए मुख्तलिफ जो उनके रफ़का थे या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जितने रफ़का थे उन्होंने भी माशरे की बार बार बात की, सोसाइटी की बार बार बात की, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे हम हुकूमत पर भी तनकीद करते हैं, इदारों पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन माशरे की जिम्मेदारियों की बात भी करते हैं, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, कोई काउंटर नैरेटिव सोसाइटी भी तो बिल्ड करेगी ना, आखिर सोसाइटी ने भी तो खड़ा होना है, माशरे की भी तो जिम्मेदारी बनती है, ये तो हम सब का मुल्क है। क्या लगता है आपको क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, जरा लोगों को भी ये पैगाम जाए कि वो ये जो नापाक अजायम वाले लोग हैं इनके के रास्ते में रुकावटें पैदा करें। हाउ डॉक्टर साहब हजरत इकबाल ने तो ये कहा था कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। देखिए एक एक फ़र्द को कैसे मिल्लत का मुकद्दर का सितारा कहा गया है और इनको शाहीन से तजवीज़ दी गई है। मैं इसमें इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहली बात तो यह है कि जो सबसे अहम जो तरबियत है वो किसी भी शख्स की अपने घर से होती है, जैसे मैं हूँ, आप हैं या हमारे घर के जो दीगर हमारे जो सरबराह हैं उनको चाहिए कि वो ये देखें, ये बात रखें कि जो हम मोबाइल या इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा सोर्स अपने बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ऊपर सबसे पहले उनके जो घर वाले हैं वो चेक एंड बैलेंस रखें। सबसे बड़ी रियासत घर की रियासत होती है और सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस जो है वो घर की मदर रख सकती है, बहन भाई रख सकते हैं, उनके वालिद रख सकते हैं। आप देखिए कि आप बच्चों को जो मोबाइल दे रहे हैं आप बचाए, मैं तो पहले एक सजेशन दे चुका हूं जो तलीमी निसाब वाला, अगर उससे हट के अगर आप अगर कहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि माँ बाप के ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि इसके मुतलक सख्त कानून साजी भी बन रही है, ये एक जुर्म भी है, इखलाकन भी ये जुर्म है, कानूनन भी ये जुर्म है और उसकी सज़ा भी है, और आपने मतलब अपने बच्चों को ये कहना होगा कि कोई ऐसी चीज़ आपको शेयर नहीं करनी, जब तक उसकी तस्दीक नहीं है उसको शेयर मत करें।
और ये जो मोबाइल है, ये जो आईटी है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, इसको अच्छे इस्तेमाल करें, इसका मुस्बत इस्तेमाल करें, पूरी दुनिया से बिजनेस करें। पूरी दुनिया में आईटी में दुनिया आगे जा रही है, जापान हमसे आईटी में बहुत आगे चला गया, हमसे हिंदुस्तान आईटी में बहुत आगे है। अभी हम आईटी में थोड़े से काम कर रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा हमने इसमें कदम नहीं रखा। तो जैसे पंजाब में आईटी सिटी बन रहे हैं, इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आईटी को प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें वो आईटी एक बना रहे हैं। तो ये है कि इसमें आप मुस्बत चलें। डॉक्टर साहब, मेरा पैगाम यही है अपने नाज़रीन को आपके ज़रिए से कि इसका अच्छा इस्तेमाल करें, अपने लोगों से रابطے में रहें, लोगों को आपके नज़दीक करने के लिए सोशल मीडिया बनाया गया है, उसका अच्छा इस्तेमाल करें। मलिक साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ भी आते हैं, दुनिया में जाकर ट्रेड करें जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है, उन्होंने आज कहा है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप आए मुज़ाकरात करें, बात करें, मगर बर्बाद ना करें। ये मुज़ाकराती अमल कैसे बढ़ सकता है कि उनका एक ऑलरेडी बयान मौजूद है, उनके जो अपोजिशन लीडर हैं, अब मैं नाम भी नहीं ले सकता, पता नहीं कितने अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा जी हमें जो मैंडेट मिला है वो मुज़ाकरात का नहीं मिला, पार्लियामेंट को चलाने का नहीं, बल्कि आप लोगों के पार्लियामेंट को ना चलने देने का जो है हमें मैंडेट मिला है, मुज़ाकरात हम आपसे नहीं करना चाहते। फिर वो मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, इतनी कंफ्यूजन है, ये मुज़ाकरात किससे होंगे, कैसे होंगे? डॉक्टर साहब, मुझे इसके ऊपर सिर्फ दो मिनट मेरी गुजारिश करने दीजिएगा। देखिए, मरहूम हासिल बदीजो कहा करते थे कि गैर मुमकिन है मसाइल की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बड़ी अक्ल से उलझाई है। कुछ ऐसे तरीके से उलझाया गया था इन चीज़ों को, और हालात को जानबूझकर इस नहज पर पहुँचाया गया। मज़ाकरात की जो बात है, देखिए मज़ाकरात होते हैं बराबरी की बुनियाद के ऊपर। पहले तो इस बात का तयन करना होगा कि क्या उनसे मज़ाकरात बनते हैं, क्या उनसे मज़ाकरात बनते हैं जिन्होंने 9 मई किया, क्या उनसे मज़ाकरात बनते हैं जिन्होंने 200 तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया, क्या उनसे मज़ाकरात बनते हैं जिन्होंने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को कर्ज ना दें, क्या उनसे मज़ाकरात बनते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो हवा में लहरा कर कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है, उसको साइफर बना दिया और अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया और ऑडियो लीक हो गई कि इसके ऊपर साइफर के ऊपर खेलना है, क्या उनसे मज़ाकरात हो सकते हैं जिन्होंने आइन की वायलेशन की? जब जो रेकोजिशन आ गई थी उसमें कौमी असम्बली में, तो क्या उस रेकोजिशन के आने के बाद जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट थी उसमें असम्बली में, उसके आने के बाद क्या उसको सबूताज करना ज़रूरी था? क्या वो Article 6 के मुर्तकिब नहीं हुए? क्या उन लोगों से जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी ये जजमेंट दी कि ये लोग इन्होंने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, अब जो है वो असेंबली को दोबारा से यानी कि जाके उसका जो चलाएं उसके सारे कारोबार को और दोबारा से वो सारा कुछ चला, वो जो है वो नो कॉन्फिडेंस की जो मूवमेंट है उसमें वो कामयाबी हुई? आप मुझे बताइए कि ये देखने की बातें हैं, क्या उनसे मज़ाकरात हो सकते हैं जिन्होंने 126 दिन का धरना दिया था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चलवारें लटकाई थी? क्या उनसे मज़ाकरात हो सकते हैं जिन्होंने लाशों की सियासत की? आप मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब, जब मज़ाकरात करने होते हैं, ये अपना अपना मौकिफ है, लेकिन क्या वफूद की सतह पर मुलाकातें नहीं हुई? क्या पार्लियामानी वफूद जो है पहले नहीं तश्कील दिए गए, जो वफूद की सतह पर जिन्होंने मुज़ाकरात किए हैं वड़े साहब, यानी वफूद की सतह पर मुलाकातें होती रही हैं, इससे पहले भी कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन कोई फायदा उसका नहीं हुआ। अब क्या ये चूहे बिल्ली का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से, या तवज्जो हटाओ कोई मुहिम जो है, कैंपेन जो है अभी उस पर काम किया जा रहा है, इंटेंशन क्या लगती है आपको? डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने, जिन कौमों ने आगे बढ़ना होता है ना, जैसे वो कहा जाता है इंग्लिश में कि इट्स नेवर टू लेट, जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है ना, जिस कौम ने भी, वो हमेशा उसके जो बड़े होते हैं वो पुरमन होते हैं, वो टेबल डिस्कशन की बात करते हैं, वो टेबल टॉक के ऊपर आके बैठते हैं। मैं इसमें ये चीज़ें माजी की जरूर लेट करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि जो आज के वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद शहबाज़ शरीफ साहब, तब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे और फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर खड़े होकर शहबाज़ शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं उस वक्त के जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिनको टाइटल दिया गया, कि मैं ये कहता हूँ कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, आए पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, आए नैब को सियासी मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल ना करें, आए केसेस को ख़त्म करके पाकिस्तान की नैया को पार लगाएं जो इस वक्त डूब रही है, पाकिस्तान की कश्ती डुबोई जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, इसको दिवालिया किया जा रहा है। और उसके बाद जब 16 महीने की हुकूमत बनी
तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत ने बड़े एहसन अंदाज में इन्होंने जब रियासत को बचा लिया, और आज फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, फिर जब वो लेफ्ट साइड पे बैठे थे, आज जब वो राइट सिमत में हुकूमत में है, तो आज फिर उन्होंने एक बात कही कि हम फिर आपको शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजिन, यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि न सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें बल्कि हमारी जो तमाम वफाकी इकाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं ये अनासर मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में, मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में, और अवामी खैर ख्वाह कहीं लसानी बुनियादों पर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अमन को तबाह किया जाए। पाकिस्तान में बदमनी के पैरोकार बने हुए हैं, पाकिस्तान में इंतशार की सियासत को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है, मुल्क दुश्मन अनासर हैं। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी आम आज बात की थी कि एक तरफ जो हमारे पार्लियामेंटेरियन जिनको ये मैंडेट मिला है कि वो आवाम की फलाह व बहबूद, उनकी ज़िंदगी की बका, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें, वो बैठे हुए सुबह अच्छा पराठा खा के नाश्ता करके आते हैं, फिर 3-4 घंटे का जो है वो एक अलामती 8-10 बंदे होते हैं, वो आके पार्लियामेंट के बाहर बैठते हैं हार पहन के, उसके बाद वो भूख हड़ताल करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, ये कौम का दर्द। दूसरी जानब वज़ीर आला बलूचिस्तान जिन्होंने आज गुज़िश्ता जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके दौरान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है बलूचिस्तान में, एक ग्रोथ तशद्दुद, दूसरा ग्रोह सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों को बदनाम कर रहा है। अब ग्रोह तो दो हैं, अब इनका नेटवर्क कहाँ है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहाँ पे है? बलूचिस्तान जो कि इस वक्त मादनी ज़खायर से मालामाल है, बलूचिस्तान जो इस वक्त सी पैक में मरकजी हैसियत रखता है गवादर को लेकर, बलूचिस्तान जो इंतहाई अहम सूबा है जो कि ख़ास तौर पर अफरा तफरी की वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार हुआ है, वहाँ पर लोगों के बुनियादी जो राइट्स हैं उनको सलब करने वाले भी वही लोग हैं जो आज उनकी राइट्स की बात करते हैं, ये इंतहाई बदकिस्मती से हो रहा है। हमारी कोशिश थी, हमने तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान से भी राबता किया था लेकिन वो शायद मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, उनसे हमारा राबता फिर दोबारा नहीं हो सका। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे गजा की जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक, और खान यूनस पर जो वहशियाना बमबारी की गई है उस हवाले से हमारे वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जमहूरी नज्म में हकायक सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौकीद और आईन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हकायक परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ पीटीवी न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे खान यूनस पर होने वाले हालिया वहशियाना जो बमबारी है और उसमें जो अमवात की तादाद है वो 200 से भी तजावज़ कर चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 जो कि फ़लस्तीनियों के लिए हर दिन एक क़यामत सुग़रा का मंज़र पेश करता है। इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन हैं कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुजरमाना गफलत और खामोशी इख्तियार किए हुए, लेकिन दूसरी जानब अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने एक मरतबा फिर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मैसूर इलाके में कोई भी जगह अब महफूज नहीं है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से अस्पताल, पनागुजीन कैंप और इवन के जो मददगार हैं जो आकर उनकी मदद करते हैं
जो एम्बुलेंस हैं उन पर भी हमले कर दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने भी इसी हवाले से इस बर्बरियत की शदीद मुखालफत करते हुए मजम्मत की और अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा इस मासरे से इलाके में अशियाए खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी मुअत्तल होकर रह गई है। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा समेत आलमी बरदरी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। अक़वामे मुत्तहिदा उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, दूसरे जानिब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और बिलखसूस अक़वामे मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर जो कुछ किया गया और एक रूलिंग दी गई उसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा ने, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। डॉक्टर शाज़िया, खान यूनस पर हमला बदतरीन जंगी जराइम का मुर्तकिब जो इस वक्त हमें नेथन्याहू नज़र आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकातें कर रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है, क्या ये बर्बरियत जारी रहेगी? एक तरफ हमास से मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ से ये बर्बरियत में भी लबनान जो है उसको भी अभी लपेट में लेने की कोशिश की जा रही है। फ़लस्तीनियों के लिए जो इस वक्त हालात हैं वो कितने मुश्किल हैं, और आपको लगता है कि कुछ जो बैनुल अक़वामी बेज़मीर माशरा है उसका ज़मीर कभी जागेगा? ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह से पूरे सिनेरियो का अहाता कर दिया है इसमें, और हम बारहा इसका जिक्र भी जो है वो इसको सम अप करते हैं कि बुनियादी तौर पे क्या हुआ, कैसे हुआ और ये रुकेगा कैसे। जहाँ तक मेरी राय जो है, जो जितनी भी डेटा कलेक्शन है, जितना भी एनालिसिस है उसकी बुनियाद पे मैं कर सकती हूँ, तो ये एस्केलेट होगा, ये बर्बरियत नवंबर तक ख़ास तौर पे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और उसकी वजह जो है वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल कैओस इस वक्त फैला हुआ है, जिसमें जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो एक एक्स पे दिए गए बयान से कहते हैं कि मैं अब प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल नहीं होऊंगा और मैं अपना जो है वो नॉमिनी बता रहा हूँ, और दूसरी तरफ ट्रंप पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हो जाती है और एक अजीब से कैओटिक सिचुएशन है, और कहा यह जा रहा है कि जी जो सिटिंग प्रेसिडेंट है उनको कोई कॉग्निटिव जो है उनके डिसफंक्शन है या फेलियर है, पार्किंसनिज्म की बात हो रही है, अल्जाइमर की बात हो रही है, कुछ और मेल फंक्शंस की बात हो रही है। तो ये सारी बात इस वक्त करना ज़रूरी इसलिए है कि नेतन्याहू के पास नवंबर यूएस इलेक्शन तक की एक विंडो है, और ये उसे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, और ये इसमें इसको एस्केलेट करेगा। और उसकी वजह ये है कि ट्रंप जो कि पहले उसके साथ बहुत ज़्यादा इस चीज़ में शामिल था और बहुत प्रो इसराइल है और वो आज भी है, लेकिन वो और उसका अपना जो वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी है जेडी वेंस, दोनों एक एजेंडा और एक रिटोरिक के साथ इस दफ़ा के इलेक्शन में आ रहे हैं, वो है नो वॉर पॉलिसी। उनकी रूस से अपनी नफरत अपनी जगह पे कायम है, चाइना से नफरत अपनी जगह पे कायम है, इसराइल से बताइएगा मैं, क्योंकि हम तो डॉक्टर शाज़िया स्पेसिफिक जो फलस्तीनियों के मसाइल उस पर भी बात करें, लेकिन हम थोड़ा सा अमरीकी सियासत पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है हमें एक पॉपुलिस्ट मूव नजर आई अमरीका के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हामियों को उन सेंटीमेंट्स के जरिए जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी तादाद है अमरीकी शहरियों के जो मुखालिफ हैं, बिलखसूस कुछ यहूदी भी मुखालिफ हैं नेथन्याहू के इस अमल से, क्या पॉलिटिकल कोई लॉस नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप को इस मुलाकात के बाद? देखिए, अमेरिका की सियासत दुनिया के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से अलग नहीं की जा सकती, वो वहीं से ट्रिगर हो रही होती है और उसने वहीं से शुरू होके उसने वहीं पे ख़त्म होना होता है। डॉक्टर साहब, हम इस चीज़ को इग्नोर ही नहीं कर सकते हैं। खान यूनस में इस वक्त जो है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 190,000 बंदा जो है वो डिस्प्लेस हो गया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि वो जाए कहाँ, जाने की जगह ही कोई नहीं है। तो और ये चीज़ बढ़नी है, आपने देखा उस स्पीच को गौर से अगर सुने, नेतन्याहू ने जो तकरीर की है जाके कांग्रेस में, जहाँ पे उसको कोई कहता है 60 दफ़ा उठ के तालियां बजाई गई हैं, कोई कहता है 70 दफ़ा तालियां बजाई गई हैं, हम दुनिया में होने वाला कोई कॉन्फ्लिक्ट है या जेनोसाइड है उसमें अमेरिकन पॉलिटिक्स, जिसको अब एक नई किताब में प्रोफेसर टॉड ने वाशिंगटन गैंग के नाम से कहा है, हम नेम कॉलिंग और इस चीज़ों पर हमारा कोई बिलीव नहीं है डॉक्टर साहब, हम कभी करते नहीं हैं। तो जो आम लोग जो हैं उनकी एक और बात है, जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी एक और बात है। नेतन्याहू ने उस कांग्रेस की तकरीर में जो उसने जिसको जिसमें उस पर 70 दफा एक मैनियक साइकोपैथ किलर जेनोसाइडल जायनिस किलर के लिए 70 दफा
हाउस ऑफ पीपल में तालियां बजाई गई हैं, उस पर अमरीकी इतना शोर मचा रहे हैं कि ये हमें तजलील करके गया है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ असेंबली को क्वेश्चन करके गया है, ये अच्छा, कह के एक गया और डॉक्टर शाजिया, ये आपने तो एक तरफ बात की, दूसरी जो पूरी दुनिया में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता जा रहा है, जो कि खास तौर पर जो सुपर पावर्स हैं उनके हवाले से, बिलखसूस अमरीका के हवाले से, जो कि निहत्ते फलस्तीनियों के लिए आगे नहीं बढ़ी है। आपको सिक्योरिटी काउंसिल की अभी जो हालिया रेजोल्यूशन थी जिसमें मुकम्मल जंगबंदी का कहा गया था और मेजॉरिटी हमें नजर आई थी, उसके बाद अमेरिका के खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो खड़े होते हैं और ब्लिंकन कहते हैं कि ये कोई बाइंडिंग नहीं है। अब एक और इजलास तलब किया गया, चाइना का सख्त मौकफ सामने आ गया है कि मुकम्मल जंगबंदी हो, इसका भी तो कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए बैन अलावामी सतह पर, गो कि ICJ का जो अभी जो खास तौर पर जो रूलिंग थी उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया, मजीद एग्रेशन हुआ है। ब्लिंकन और सॉल्वन जो हैं वो बेसिकली जिस एजेंडा पे काम कर रहे हैं वो यही है, ग्रेटर इसराइल और फलस्तीन को ख़त्म करना है। अब मसला ये है कि फलस्तीन को ख़त्म करना तो कोई इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है ना, आपको उसके लिए फलस्तीनियों को ख़त्म करना है, और फलस्तीनी जो हैं वो फ्लैश और बोन के बने हुए हैं, आपने उनको ख़त्म करना है, मारना है, यही आप कर रहे हैं। और आप ये कहती हैं कि जेनोसाइड जो है वो प्रायोरिटी है नेतन्याहू की, लेकिन अगर अब अगली हुकूमत इस वैक्यूम में कहती है कि हमें जंग नहीं चाहिए तो नेतन्याहू के पास ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो इस बात को इतना बढ़ाना चाहता है। मैं फिर उस तकरीर की तरफ जाऊंगी जिसमें उसने बकायदा कहा है कि मैं ईरान पे हमला करना चाहता हूं, मुझे उसके लिए टूल्स चाहिए, बकायदा उसने टूल्स की डिमांड की है, पता नहीं वो टूल्स किसको कह रहा है। तो ईरान पे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पे वो डायरेक्ट अटैक करके इस जंग को बहुत बढ़ाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी बका की जंग है ये, उसको अपने वहां पर जहां उसने ये जंग मुसलत की हुई है अपने लोगों में भी वो आंसरेबल है, क्योंकि इसराइल के अंदर एक रिपोर्ट छपी है। अच्छा, कि जो ये बड़ी आपने अहम बात की है डॉक्टर शाजिया, क्योंकि आपके साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होती है आपके साथ, ये बताइएगा क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई एक माइंड सेट है नेतन्याहू का पागलपन है, या इसके पीछे बहुत एक बड़ी हिकमत अमली नजर आ रही है, या इसको हम कोई ब्रॉडर उसमें देखें, ये ना हो कि हम इसको बड़ा छोटे पैमाने पे देख के किसी एक शख्स के का अमल करार दें, ये जो वैश्यानिया बमबारी जो 40,000 के करीब जो है फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। नेतन्याहू बहरहाल जेनोसाइडल है, ज़हनी तौर पे एक पागल इंसान है, लेकिन वो अकेला ये नहीं कर रहा है, उसको मुकम्मल पुश्तपनाही हासिल है, उसको अमेरिका का ब्लैंक चेक जो है मिला, जो उसने पूरी तरह से कैश करवाया और इस खुशफहमी में कराया कि वो जो इब्राहिम अकॉर्ड था उसमें वो पूरे मिडल ईस्ट को इसमें शामिल कर लेगा, और एक जो पुराना ट्रेंड था वो भूल गया कि वो बात ख़त्म हो चुकी है, वो ईरान को वहाँ पे एक दायमी दुश्मन की तरह पेश करके, और मिडल ईस्ट में जो ममालिक ईरान के अगेंस्ट एक हिस्टोरिकल उनका क्लैश चलता था उसको वो कैश करा लेगा। हुआ ये है कि इस वक्त इसराइल की पोजीशन ये है कि एक ऐसी जेनोसाइडल एंटिटी जो है उसका अपना बका जो है वो बिल्कुल ख़तरे में पड़ चुका है। इस दफ़ा फिर वो कांग्रेस की तकरीर में ये बात करके आया है कि मैं नेटो टाइप की एक सिक्योरिटी अलायंस बना रहा हूँ मिडल ईस्ट के अंदर, जिसका नाम मैं इब्राहिम अलायंस बना रहा हूँ। अब उसको ये खुशफहमी है कि वो आज भी एक दायमी जो है वो चपकलिश समझ लें या हिस्टोरिकल रिजर्वेशन समझ लें अगेंस्ट द ईरान, उसको मैं यूज़ कर लूँगा मिडल ईस्ट के अंदर, जो कि अब नहीं होगा। मैं बहुत सिनिसिज्म के साथ इस बात को इस तरह ख़त्म करूँगी कि इस दफ़ा अमेरिका और इसराइल अपने ग्रेटर एजेंडा पे, या ब्रॉडर वेस्ट की आप बात कर लें, इसराइली ग्रेटर इसराइल के एजेंडा पे जो काम कर रहे थे उसमें वो हर मामले में रिएक्टिव हैं, सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं, एक्शन जो है क्यों इतनी कंफ्यूजन है? कुछ चीजें तो बड़ी वाज़े तौर पर हैं, ट्राइका आप भी जानती हैं बेहतर मैं किस ट्राइका की बात करता हूं, फिर साथ में प्लस भी कर देते हैं, ट्राइका प्लस भी शामिल कर देते हैं, जो एक ही एक माइंडसेट हमें नजर आ रहा है, सुप्रीमेसी की वार है, कहीं वाइट सुप्रीमेसी की बात की जाती थी, नेतन्याहू पर क्रिमिनल चार्जेस लगे, करप्शन के चार्जेस लगे, इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी यही बातें हो रही, अभी भी वो सामना कर रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं, मोदी पर सफरी पाबंदियां लग गई, यहां पर जो सूरत हाल है वो भी आपने देखा कि उसमें भी क्रिमिनल चार्जेस हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि हम इसको जरा इस तनाजुर में भी देखें कि ये ट्राइका प्लस जो है, या ये ट्राइका दुनिया के लिए जो है वो कुछ थोड़ी मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि ज़ायनिज्म से या ज़ायनिस्ट से हमारी जान छूटी 18वीं सदी के आखिर में, अब एक नई मुश्किल का सामना दुनिया कर रही है।
ज़ायनिज़्म से डॉक्टर साहब अब हमारी जान छूट जाएगी, और वही अपनी पर्सनल शेमफुल सिनिसिज्म के साथ मैं ये कहूँगी कि वो फ़लस्तीनी अपनी जानों और खून के बदले जो है वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि एक ऐसी ज़ायनिस्ट क्रिमिनल एंटिटी जिसको हम इसराइल कहते हैं उसका कोई फ्यूचर नहीं है और उसने ख़त्म हो जाना है, और जिसकी बुनियाद पर एक ब्रॉडर वॉर को नेतन्याहू प्रमोट करना चाह रहा है या हवा देना चाह रहा है, तो उसको ये जान लेना चाहिए कि अब हालात सियासी और ख़ास तौर पे जियोपॉलिटिक्स जो है वो नहीं रही है। सऊदी अरेबिया ने अपना पेट्रो डॉलर का नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, ना सिर्फ ये नहीं किया है बल्कि एक और जो करेंसी अरेंजमेंट है एम्ब्रिज के नाम से, रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने एम्ब्रिज ज्वाइन कर लिया है, एक और करेंसी अरेंजमेंट जो है वो यूनिट के नाम से ब्रिक्स इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो दुनिया बहुत शिफ्ट हो रही है, लेकिन हमें एक एक फ़लस्तीनी के खून पे रोना चाहिए, मगर हम बेहिस होके नम हो गए हैं, और हमारे पास इस वक्त दिल को तसल्ली देने की सिर्फ एक ही बात है कि ये इतना खून जो है, ये इतना बड़ा खुला जेनोसाइड बुनियादी तौर पे सिर्फ एक ही रास्ते पे लेके जा रहा है, वो ये है कि एक क्रिमिनल ज़ायनस एंटिटी जो कि आर्टिफिशली क्रिएट की गई थी और जिसको इसराइल का नाम दिया गया था, पूरे वेस्ट में ये बात हो रही है कि उसका फ्यूचर में वजूद नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, जिस तरीके से जेनोसाइड के हवाले से और क्रिमिनल ज़ायनिस्ट इंटेंट जो एक मूव चली है और हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 18वीं सदी के आखिर में ज़ायनिस्ट का एक हमें उरूज नज़र आया था, फिर उसका जवाल नज़र आया, मौजिब जो है वो यूरोप के दो ममालिक बने और उसके बाद मलबा जो है वो मुसलमानों पर गिरा, फिर इस्लामोफोबिया भी बीच में शामिल हो गया, फिर हमने पूरी दुनिया में वाइट सुप्रेमिस्ट को देखा, ब्लैक सुप्रेमिस्ट को देखा, यानी एक सुप्रेमेसी, एक हेजमनी जो कि फिर बैन अल-अक़वामी सतह पर भी हमें नज़र आई। लेकिन एक अफसोसनाक अमल ये है कि पाकिस्तान भरपूर अंदाज से सिफारती कोशिशें कर रहा है, अक़वामे मुत्तहिदा की तवज्जो मबज़ूल करवा रहा है, फिर अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की संजीदगी भी हम देख रहे हैं कि वो भी अपनी शदीद तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस हवाले से 6 जहाज़ों और 1200 टन और 3 बहरी जहाज़ों से 1500 टन इमदादी सामान भी फ़लस्तीन भिजवाया है, लेकिन बेचारे क्या करें कि उन तक ये सामान पहुँचता नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।